तुम्हारा घर नहीं बना है इंदिरा आवास से? झोपड़ी है कि छत है? झोपड़ी है। क्यों नहीं बना है? मुखिया में अथी करता नहीं के बाद पैसा मांगता। तो तुम पैसा दी है? ना। क्यों नहीं दी? हम लोग पैसा नहीं है तो कहाँ से दे सकते। पुष्पा देवी बीपीएल सूची के अंतर्गत आती हैं। वित्त विकास मित्र द्वारा चयनित सूची में नाम भी दर्ज किया गया है, लेकिन मुखिया एवं पंचायत सचिव को रुपया नहीं देने के कारण आज भी पुष्पा देवी इंदिरा आवास से लाभ से वंचित है। तो वही जुमने लेनी है 10,000। कहता नहीं जल्दी दलो और कल जानी चला लो। तो 10,000 ले लेनी है, 20,000 दिलवन तो 20,000 में घर बन। अभी और 20,000 उठाए तो कहता नहीं। तो फिर उनमें से 5,000 रुपया लेगा फिर दाग। पुष्पा देवी जैसी और कई महिलाएं हैं जो पैसा नहीं देने के कारण इंदिरा आवास लाभ से आज भी वंचित है। हाँ, हमारे गांव में भी कुछ महिलाएं हैं जो उसको माने पैसा नहीं देने के कारण उनका इंदिरा आवास से वो लोग वंचित है। किसको पैसा नहीं दिया लोग? मान लें कि मुखिया द्वारा चाहे जो भी पंचायत सचिव हैं उन लोग अपना मुखिया द्वारा नहीं देने के कारण वंचित है। लोग बीपीएल सूची के अंतर्गत आ रही है? हाँ, बीपीएल सूची के अंतर्गत आ रही है। बोला है कि उन लोग जैसे कि मुस्लिम कैटेगरी में जैसे कि देने ही लायक नहीं है, इसके चलते कुछ लोगों को नहीं मिला है। कुछ महिलाओं के बोलते हैं लोग जैसे कि अंक ज़्यादा है, इसके चलते फिर उसका वरीयता क्रम में नहीं आ रहा है, इसके चलते नहीं मिल रहा है, इस तरह करके नहीं मिला है कुछ महिलाओं को। और उन लोगों को बनने के लायक है घर? हाँ, कुछ तो है कि जो बनने लायक है। उसके बाद भी नहीं मिला। उसके बाद भी नहीं मिला। मैंने यह वीडियो इसलिए बनाई हूँ कि पुष्पा देवी मेरे ही समुदाय की महिला है। आगे मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसा हो। इसमें आप लोग मेरा मदद कर सकते हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी भगवानपुर हाट सिवान बिहार को जिनका मोबाइल नंबर 9431818445 पर कॉल कर पुष्पा देवी जैसी गरीब महिला को इंदिरा आवास का लाभ दिला सकते हैं। मैं ज्ञानती कुमारी ग्राम रामपुर पोस्ट थाना भगवानपुर जिला सिवान बिहार से इंडियन हट के लिए।